सभी मित्रों को नमस्कार अभिवादन। जन सरोकार मंच टोंक ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है कि मैं आपके सामने शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका पर जो मैं सोचता हूँ वो प्रस्तुत करूँ। तो मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ सभी को। जन सरोकार मंच टोंक के द्वारा संचालित है और देवेंद्र जोशी जी इसके समन्वयक हैं। दरअसल इन दिनों आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे देश में ये वेव श्रृंखला की वार्ताएं, सेमिनार ये बहुत जोर से चल रही हैं। तो ये नमस्कार कैलाश जी, मनोहर जी नमस्कार। दरअसल कोरोना ने ये अवसर दिया है कि हम जो उच्चतम टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करें। कोरोना के संकट ने, इस महामारी के संकट ने यह अवसर हमको प्रदान किया है, इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, घरों में बैठे हुए हैं लेकिन वेब के माध्यम से हम घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, अपने मित्रों से संवाद भी कर रहे हैं। हम ये कामना करते हैं कि जल्दी से पूरे विश्व को इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिले, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति मिले, क्योंकि यह दम घोटू बीमारी है जिसमें हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं। बहरहाल ये अपनों के नज़दीक होने की जो टेक्नोलॉजी है उससे कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैं आपसे इसके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इस महामारी से मुक्त हों। आज का हमारा विषय है शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका। इस शीर्षक से ही आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका के अलावा भी और कई भूमिकाएं होती हैं या हो सकती हैं, तभी हमने तय किया है सांस्कृतिक भूमिका। मैं समझता हूं इस समय जिस 21वीं शताब्दी के 20वें साल में हम रह रहे हैं, 2020 में हम रह रहे हैं, उसमें सबसे कमजोर यदि कोई भूमिका है शिक्षा की तो वो सांस्कृतिक भूमिका ही है, सबसे कमजोर भूमिका है। आप कहेंगे ये क्यों, ऐसा क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि शिक्षा ने मनुष्य को इस तरह से शिक्षित नहीं किया कि वह ऐसे विश्व समाज का निर्माणकर्ता और ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माणकर्ता जिससे महामारी जैसा संकट उपस्थित नहीं होता, और अगर होता तो उसका इलाज सबको मिलता, उसके उपचार के लिए पूरी दुनिया में तैयारियां होती, बहुत अच्छे अस्पताल होते, पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक होते, पर्याप्त मात्रा में उनके लिए वो उपकरण होते जो महामारियों से मुकाबला करने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले विश्व ने महामारियां नहीं झेली हैं, इससे पहले भी विश्व में महामारियां हुई हैं। इतिहास गवाह है कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में लगभग 20 करोड़ लोग महामारी से मर गए थे, 20 करोड़, आधी आबादी खत्म हो गई थी, और उस आबादी को पूरा करने में यूरोप को 200 साल लगे थे। लेकिन उसी महामारी के बाद यूरोप ने बहुत चिंतन भी किया था, बहुत सोचा विचारी भी की थी। सोचा विचारी ये की थी कि यदि यह संसार
किसी अन्य महाशक्ति के भरोसे चल रहा है तो वो महाशक्ति हमको इतना दंडित क्यों कर रही है, मानवता का ऐसा विनाश क्यों कर रही है, ये प्रश्न यूरोप के लोगों के मन में आया और इसी प्रश्न से शुरुआत हुई वहाँ नवजागरण की, नई शिक्षा की। नवजागरण का मतलब नई शिक्षा, और नई शिक्षा का मतलब है नए जीवन मूल्य, और नए जीवन मूल्यों का मतलब है नई संस्कृति। यानी पुराना जो सोच विचार था, पुरानी जो संस्कृति थी, उससे मुक्ति लेना और नए समय की शुरुआत करना, जिसको हम वहाँ यूरोप के इतिहास में रिनेसा कहते हैं, नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल, उसका हिंदी अनुवाद पुनर्जागरण काल करते हैं। तो ये शिक्षा का ही काल है, ये शिक्षा की ही भूमिका है। हम समझते हैं कि शिक्षा केवल स्कूलों का, कॉलेजों का, विश्वविद्यालयों का काम है शिक्षा देना, मैं ये नहीं मानता। निस्संदेह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय औपचारिक शिक्षा देते हैं, औपचारिक एक तंत्र है, लेकिन वे पूरे समाज को शिक्षित नहीं करते। जो उनके पास जाता है और जैसा उनका माहौल है उसके अनुसार ये संस्थाएं शिक्षा देती हैं। अन्यथा क्या कारण है कि आज़ादी को मिले हुए 73 साल हो रहे हैं, 73 साल में भी हमारा पूरा समाज आज शिक्षित नहीं है, और उस शिक्षा के अनुसार ऐसा प्रबंधन नहीं कर पाया है कि जो भी इस देश में है उस सभी उन सभी को ऐसा रोजगार मिले कि वो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन पांचों को जुटा सकें आसानी से। ऐसा अभी नहीं हो पाया है 73 साल। तो ये कहीं शिक्षा की भी बहुत बड़ी कमी है। तो शिक्षा की कमी क्यों है? क्योंकि शिक्षा हमारे देश में अभी तक पब्लिक सेक्टर में रही, लंबे समय तक राज्य ने शिक्षा का प्रबंधन किया, और लंबे समय तक हमारे देश में उत्पादन के साधनों का या अर्थव्यवस्था का स्वामित्व भी या अर्थव्यवस्था का नियंत्रण भी राज्य सत्ता के हाथ में रहा, और ये कोशिश की गई कि दो तरह से अर्थव्यवस्था के बारे में लोग सोचते रहे हैं कि एक तो वो अर्थव्यवस्था है जो व्यक्ति के नियंत्रण में रहती है, जिसको हम प्राइवेट अर्थव्यवस्था कहते हैं, और सरकार पूरी तरह समाज नहीं होती, लेकिन ये मान लेते हैं उसको पब्लिक सेक्टर नाम हमने दे रखा है, और पब्लिक सेक्टर ये नाम दिया हुआ है। तो हम इस तरह से ही शिक्षा के बारे में भी सोचते हैं कि शिक्षा के बारे में भी हमने एक सेक्टर, वो जो प्राइवेट में, प्राइवेट तरीके से शिक्षा दे रहा है, प्राइवेट लोगों के हाथों में है, और दूसरा वो सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है या सरकारी सेक्टर है, वो पब्लिक सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर है। तो सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, तो आप देखते हैं कि दुनिया में शिक्षा की जो सांस्कृतिक भूमिका है वह, मैंने जैसा कि कहा, सबसे कमजोर भूमिका है। तो कौन सी भूमिका है? शिक्षा की भूमिका है विशुद्ध अर्थतंत्रों को मजबूत करना, यह भूमिका है। सांस्कृतिक भूमिका नहीं है पूरी तरह से। सांस्कृतिक भूमिका होती तो आज दुनिया जैसी है वैसी नहीं होती। जिस तरह से विश्व पर व्यक्ति का कब्जा हो गया है और कुछ लोगों का कब्जा हो गया है, और अर्थतंत्र पर भी एक वर्ग विशेष का कब्जा हो गया है, वो नहीं होता अगर शिक्षा वास्तव में सांस्कृतिक तरीके से दी जाती और उसकी सचमुच सांस्कृतिक भूमिका होती, तो ऐसा विश्व नहीं होता जैसा विश्व हमारे सामने है। आज अनेक विद्वान, नोम चॉम्स्की जैसे विद्वान जो अमेरिका में हैं,
और लगभग इस समय 93 साल की अवस्था के हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों ये कहा है एक इंटरव्यू में, वेब साक्षात्कार में, कि ये जो महामारी आई है यह महामारी भी उन नव उदारवादी नीतियों का, अर्थनीतियों का परिणाम है, उस बाजारवादी अर्थव्यवस्था का परिणाम है, उस बाजारों की होड़ का परिणाम है, उस मनुष्य की अशिक्षा का परिणाम है जिसने अर्थ को कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित कर दिया है। वो जैसे चाह रहे हैं वैसे बाजार को चला रहे हैं, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे शिक्षा को चला रहे हैं, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे संस्कृति को चला रहे हैं। तो ये मित्रों मिलीजुली समस्या है, ये केवल शिक्षा की समस्या नहीं है। हम समझते हैं शिक्षा बहुत स्वतंत्र है, शिक्षा उतनी स्वतंत्र नहीं है, उतनी स्वायत्त नहीं है कि हम स्वयं उसके पाठ्यक्रम तैयार कर लें, उसकी व्यवस्था स्वयं कर लें और अपने अनुसार उसका पूरा प्रबंधन और नियंत्रण करे समाज, और उसके अनुसार जैसी जरूरत हो वैसी समाज को शिक्षा दे। ऐसा नहीं है, सब कुछ पर अर्थव्यवस्था का नियंत्रण है, सब कुछ पर, आप कुछ नहीं कर सकते। राज्य सत्ता एक बार बस आप सरकारों को चुन दीजिए, चुनने के बाद सरकारें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, वो जैसे चाहें वैसे निर्णय लेती हैं, जैसे चाहें वैसे चीजों को चलाती हैं, समाज का ध्यान रहे या न रहे। आपने देखा है कि कोरोना संकट जब आया और लॉकडाउन जब हुआ, तो लॉकडाउन के बाद जिस तरह से हमारे देश का मजदूर वर्ग मुंबई से, दिल्ली से, लखनऊ से, जयपुर से, कोटा से, पंजाब के विभिन्न नगरों में से, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी जो भारत है उसमें जो पूर्वी भारत के लोग, बेरोजगार लोग, मजदूर लोग यहाँ आकर जो नौकरी करने लगते करते थे वो सभी किस तरह से व्याकुल होकर, परेशान होकर अपने घरों को भीषण गर्मी में पैदल ही चल दिए, पैदल ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर, माताओं को लेकर, बहनों को लेकर, बुजुर्ग दादियों को लेकर, बूढ़े लोगों को लेकर, बीमार लोगों को लेकर, गर्भवती स्त्रियों के साथ वे जिस तरह से पैदल गए, पैदल चलने लगे, पैरों में छाले पड़ गए, खून रिसने लगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं आया व्यक्ति कि उनसे कहे मुंबई में तुम कहाँ जा रहे हो, दिल्ली में कहा थोड़ा बहुत कहा कि हम खाना देंगे, ये देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मकान मालिकों ने उनसे किराया वसूल करना शुरू कर दिया और उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं रही। इससे अंदाज़ा लगा, आप अंदाज़ा लगाइए कि 73 साल के बाद हमारी जो व्यवस्था है उसकी कितनी बड़ी पोल ये खुली है। तो ये सब, इसका सबका संबंध शिक्षा से है। हमने चीज़ों को इस तरह से लिया ही नहीं, इस तरह से शिक्षित किया ही नहीं कि हम जो मेहनत कर रहा है उसके दुख दर्द में शामिल होते, उससे कहते कि मुंबई में तुम केवल नौकरी मत करो, तुम अपना मकान भी बनाओ। जब और लोग इसमें मकान बना सकते हैं तो सरकार तुमको सहयोग देगी, तुम अपनी कॉलोनी बसाओ, अपना नगर बसाओ, अपना गांव बसाओ, उसमें रहो। और कुछ गारंटी होती कि इतना मिनिमम मजदूरी उनको मिलेगी, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत चलता है सब जगह। क्योंकि श्रम बहुत ज़्यादा है और श्रम की मांग उसकी तुलना में कम है तो श्रम बहुत सस्ते में मिलता है और श्रम का आसानी से शोषण हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब शिक्षा का हिस्सा है। हमने जिन लोगों को मालिक बना दिया, जिन लोगों को हमने नौकरी देने वाला बना दिया, उनको इस तरह शिक्षित नहीं किया कि वे एक सामाजिक प्रबंधन की कला जानें। वो व्यक्ति प्रबंधन की कला तो जानते हैं,
निजी हित में तो वो सोचते हैं, लेकिन सामाजिक प्रबंधन की जो कला होती है दुनिया में वो बहुत कम लोगों को आती है। कारण यह है कि उस कला में लोगों को बहुत नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को लाभ होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका सबसे कमज़ोर रही है। केवल एक भूमिका रही है ताकतवर, कैरियर बनाने की। इंजीनियर बनाती है, वो मैनेजर बनाती है, महाप्रबंधक बनाती है, वो चिकित्सक भी बनाती है, वो शिक्षक, ये सब बनाती है। लेकिन वो मनुष्य नहीं बनाती, और मनुष्य नहीं बनाती तो इसका मतलब है उसकी सांस्कृतिक भूमिका बहुत कमज़ोर है। जो शिक्षा मनुष्य बनाती है, इंसान बनाती है, सारी संकीर्णताओं को, सारी भेद की दीवारों को ढहाना सिखाती है, वही शिक्षा सच्ची शिक्षा होती है। जो आदमी को खुद को नियंत्रण में करना सिखाती है। मैं यहाँ महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका की ओर इशारा करते आए। आप जानते हैं 1909 में हिंद स्वराज एक छोटी सी किताब महात्मा गांधी ने प्रश्नोत्तर के रूप में लिखी थी, इंग्लैंड से जहाज में दक्षिण अफ्रीका जाते हुए। उस समय में वो संपादक थे, पत्रिकाएं अखबार निकालते थे, उनमें अनेक पाठक उनसे सवाल किया करते थे। और गांधी जी की ये विशेषता थी कि वे अपने मन की मानते थे, अपने अनुभव से सीखते थे। वो किताबों से सीखा उन्होंने बहुत, दूसरे लोगों से भी सीखा, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने अनुभव से बहुत सीखा। अपने अनुभव से बहुत कम लोग सीखते हैं। साहित्यकार जरूर अपने अनुभव से रचनाएं करते रहते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, कहानियां लिखते रहते हैं, लेकिन मनुष्य अपने अनुभव से कम सीखता है। महात्मा गांधी ने से वहां पाठक ने शिक्षा पर एक पूरा अलग से अध्याय है हिंद स्वराज में, छोटा सा, छोटे छोटे अध्याय हैं, वो छोटी सी किताब है। कुल 5 प्रश्न उन्होंने, उनके पाठक ने उनसे शिक्षा से संबंधित किया। तो उन्होंने पहले अक्षर ज्ञान की बात पूछी कि अक्षर ज्ञान उस समय हो रहा था, महाराजा गायकवाड़ ने अनिवार्य शिक्षा घोषित कर दी थी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अपने राज्य में। तो वो उस पाठक ने प्रश्न किया कि महाराज गांधी जी, ये बताइए कि लाजमी शिक्षा को, अनिवार्य शिक्षा को आप जरूरी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो कहते हैं ठीक है, मैं ये हाँ भी है, मैं उत्तर है और ना मैं भी उत्तर है, मैं ठीक भी मानता हूँ और ठीक नहीं भी मानता हूँ। ठीक इसलिए मानता हूँ कि ये कुछ सिखा देती है, कुछ कुछ अक्षर ज्ञान करा देती है, कुछ गणित वणित सिखा देती है। लेकिन वो कहते हैं कि शिक्षा आदमी से उसके आत्म, उसका जो भीतर का एक नैतिक पक्ष है, उसका अपहरण कर लेती है। ये उसका दोष है, वो भीतर से आपको अपहरण कर लेगी, आपकी आत्मा का, आपकी नैतिकता का, जिस नैतिक आधार पर आप सोचते हैं, जिंदा रहते हैं। बिना पढ़े लिखे लोग भी तो जिंदा रहते हैं। कबीर ने तो इतना बड़ा नीति शास्त्र खड़ा कर दिया बिना पढ़े लिखे ने, आप देखिए अपने अनुभवों के आधार पर कितना बड़ा नीति शास्त्र खड़ा किया। तो नैतिकता जो उसकी है, गांधी जी कहते हैं उस नैतिकता का ये जो शिक्षा जिसे आप कह रहे हैं ये अपहरण कर लेती है। आप देख ही रहे हैं नैतिकता जिस तरह से अपहरण करती है शिक्षा। बहुत कम लोग हैं जो बहुत नैतिक इस शिक्षा में रह पाते हैं। इस शिक्षा से व्यक्ति ज़्यादातर अनैतिकता की तरफ जाता है। वो कहता है कि साहब वेतन ही वेतन ना मिले, ऊपर का वेतन भी तो हो, कुछ बाहर से क्या मिलता है? तो बाहर से जो मिलने वाली बात है ये क्या है? यही तो ये शिक्षा सिखाती है। और शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने उस पश्चिम की उस सभ्यता को, जो पूरी शिक्षित सभ्यता थी और सबसे ज़्यादा अग्रणी थी दुनिया में 19वीं-20वीं शताब्दियों में, तब भी महात्मा गांधी ने उसको शैतानी सभ्यता क्यों कहा? क्या जरूरत थी शैतानी सभ्यता कहने की?
जबकि वो जानते थे वहाँ पार्लियामेंट भी है इंग्लैंड में, वहाँ बहुत विज्ञान की प्रगति भी हो गई है, वहाँ सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी उसको शैतान की सभ्यता कहते हैं, शैतानी सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सांस्कृतिक भूमिका नहीं है, इसीलिए कहते हैं। सांस्कृतिक भूमिका उसकी आर्थिक भूमिका है, वो केवल आदमी को एक आर्थिक मनुष्य में रूपांतरित करती है, और आर्थिक मनुष्य तो बहुत अपूर्ण मनुष्य होता है, और आर्थिक मनुष्य में जब आप रूपांतरित करेंगे, केवल आर्थिक मनुष्य में आप उसकी मनुष्यता का उद्बोधन नहीं करेंगे, मनुष्यता का जागरण नहीं करेंगे, आप उसकी उसकी उसके अविवेक को अविवेक पर प्रहार नहीं करेंगे, अविवेक से उसको मुक्ति नहीं दिलाएंगे, तो फिर वो एक ऐसा मनुष्य बनाएगी जिसमें से हिटलर पैदा हो जाए। क्या कारण है सोचिए, कि उसी यूरोप से, उसी शिक्षा से जिसको हम आधुनिक शिक्षा कहते हैं, कि बड़ी आधुनिकता यूरोप में आई साहब, ठीक है आई, वो है भी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो आधुनिकता, उस आधुनिकता ने दुनिया में बुरे काम ज़्यादा किए, अच्छे काम कम किए, अच्छे भी किए लेकिन बुरे बहुत किए। बुरे बुरा जैसे क्या? एक तो दुनिया को उपनिवेशों में बदल दिया उस आधुनिकता ने। अगर वो आधुनिकता नहीं आई होती तो एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, ये तीनों महाद्वीपों के देश यूरोप के उपनिवेश में नहीं बदलते, ये अपना विकास अपने अनुसार करते, जैसा भी इनका होता। हम सामंतवाद में थे तो सामंतवाद के बाद जैसी आधुनिकता हमारे यहाँ आती वो आ जाती, लेकिन हमारी अपनी जो सहज विकास की धारा थी जिस पर हम चल रहे थे, उस सहज विकास की धारा को इस आधुनिकता ने आकर अवरुद्ध कर दिया, 3/4 दुनिया को गुलाम बना लिया। और आप जानते हैं अगर स्वाधीन नहीं है मनुष्य तो सांस्कृतिक भूमिका नहीं हो सकती, स्वाधीनता पहली शर्त है मनुष्य की संस्कृति की। अगर आप स्वाधीन नहीं है, स्वाधीन ढंग से नहीं सोच सकते, तो आप सृजनात्मक, आपकी भूमिका हो ही नहीं सकती, और सृजनात्मकता के लिए स्वाधीनता पहली शर्त है। तो जब आप गुलाम हो गए तो आपने सोचना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया तो आप उस सोच पर निर्भर रहे जो आपके ऊपर आरोपित कर दिया गया था। आप देख लीजिए, जब अंग्रेज हमारे यहां आए, ये पूरा पूरे यही नहीं हुआ, पुर्तगाल ने हमारे देश को के एक हिस्से को उस पर कब्जा किया, एक हिस्से पर फ्रांस ने कब्जा किया, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों में लड़ाई हुई, फ्रांस हार गया, इसलिए इंग्लैंड का कब्जा हो गया बाकी देश पर, अन्यथा फ्रांस का भी देश अगर डुप्ले जीत जाता और क्लाइव हार जाता तो फ्रांस का कब्जा हो जाता। इसी तरह से फ्रांसीसियों ने, ब्रिटिशर्स ने, पुर्तगालियों ने, डच ने, इन सब ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया, और स्पेन ने दक्षिणी अमेरिका पर कब्जा कर लिया। तो ये क्या है? आधुनिकता ने आपको ये सिखाया कि आप ऐसे इंसान बन जाएं कि दुनिया को गुलाम बनाने पर उतर आएं, आप लोगों को आज़ादी न दें, ये आपकी आधुनिकता है, ये आपकी आधुनिक संस्कृति है। ये तो आधुनिकता का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जिसे लोग बहुत कहते हैं, दुनिया को जागृत किया, ये भी पक्ष है। उस आधुनिकता में सभी तरह के लोग होते हैं, उस आधुनिकता में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने यहाँ के लोगों को आकर जगाया भी, ऐसे भी लोग थे, ये नहीं है कि उसकी ऐसी भूमिका नहीं है, लेकिन उसकी विनाशकारी भूमिका ज़्यादा है, रचनात्मक भूमिका उस तुलना में कम है, और उसी अभिशाप को आज तक हम लोग भोग रहे हैं। वही अभिशाप है। उस सबसे बड़ा अभिशाप तो ये हुआ कि उन्होंने हमारे जैसे देश की, जिसकी बड़ी समृद्ध परंपराएं थी, जिसका बड़ा ओरिजिनल दिमाग था हिंदुस्तान के लोगों का, जिनका बड़ा मौलिक दिमाग था, उस मौलिक दिमाग को एक पिछलग्गू दिमाग में, अनुगामी दिमाग में परिवर्तित कर दिया, कि हम पहले तुम यूरोप सोचें और फिर यूरोप की चीज़ों को हम लाएं, हम ना सोचें, पहले यूरोप सोचें। ये बहुत बड़ी
बहुत बड़ी आधुनिकता की जो आधुनिक जीवन मूल्य आए उनका उनका एक बहुत बुरा पक्ष है कि दुनिया पूरी न सोचे। आज भी क्या है, आज भी हालत यह है कि जो सोचता है वो अमेरिका सोचता है या यूरोप सोचता है और उनको हम उद्धृत करते रहते हैं, देखो उन्होंने ये सोचा, देखो उन्होंने ये सोचा। हमारे पास अपना सोच विकसित ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारी अपनी भाषाओं का विकास ही नहीं हुआ, केवल बाहरी लोगों के आने से, गुलाम होने से सबसे बड़ा कारण का ये हुआ कि हमारा सांस्कृतिक अवरोध हुआ। उस सांस्कृतिक अवरोध को हमारी स्वदेशी शिक्षा ने भी दूर नहीं किया, अन्यथा 70-72 सालों में जो स्वदेशी शिक्षा तंत्र हमारे यहाँ बना, स्वदेशी तंत्र बना, उस स्वदेशी तंत्र ने साहित्य में तो मौलिकता पैदा की, हमारी भाषाओं में मौलिक आधुनिक साहित्य पैदा हुआ, हिंदी में भी हुआ, बांग्ला में भी हुआ, मराठी में भी हुआ, पंजाबी में भी हुआ, तमिल में भी हुआ, तेलुगु में हुआ, कन्नड़ में हुआ, मलयालम में हुआ, उड़िया में हुआ, सारी भाषाओं में हुआ। लेकिन आधुनिक साहित्य की तुलना में जो आधुनिक मौलिक शास्त्रीय चिंतन होना चाहिए था, समाजशास्त्र में, इतिहास में, नृतत्वशास्त्र में, भूगोल में, विज्ञान में, अर्थशास्त्र में और अन्य शास्त्रों में जिस तरह से एक मौलिक वातावरण बनना चाहिए था, वो पूरे देश में नहीं बना। कारण कि वही यूरोप की आधुनिकता को हमने मान लिया कि इससे आगे हम नहीं निकल सकते, इससे आगे हम नहीं सोच सकते, इसलिए भला इसी में है कि इनकी भाषाओं में ही सीखते कर अपनी अपने स्कूल कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को इनकी भाषाओं में ही चलाओ। मित्रों, मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपकी अपनी भाषा न हो तब तक आप मौलिक ढंग से नहीं सोच सकते, आप अनुवाद में ही सोचेंगे, अनुवाद के माध्यम से ही आप एक संस्कृति का निर्माण करेंगे, तो आप पराश्रित होंगे, दूसरे पर आश्रित होंगे, दूसरी भाषा पर आश्रित होंगे, दूसरी चिंतन प्रणालियों पर आश्रित होंगे। यही हमारे देश में हुआ, इसलिए शिक्षा की जो सांस्कृतिक भूमिका बननी चाहिए थी वो शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका नहीं बन पाई। हम केवल एक यथास्थितिवादी तंत्र को ढोते रहे, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय IIT IIM सब बनाए, लेकिन वहाँ से बहुत मौलिक प्रतिभाएं पैदा नहीं हुई, वहाँ से कोई नोम चॉम्स्की पैदा नहीं हुआ। हम उदारवाद को भी नोम चॉम्स्की के मार्फत ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। या वहाँ जो एक पूरी एक यूनियन बनी 1945 के बाद अर्थतंत्र को निजी तंत्र में बदलने वाली, उन विद्वानों को ही कोट करते हैं, उन विद्वानों को अधिकृत करते हैं कि अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, उन पर निर्भर करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, हम ये कहते तो हैं कि दुनिया या पूरा देश ऐसा बगीचा होना चाहिए जिसमें तरह तरह के फूल खिलें। ये बहुत अच्छी बात है कि तरह तरह के फूल खिलें, लेकिन खिले क्या? सवाल यह है, दुनिया में, पूरी दुनिया में तरह तरह के फूल खिले क्या? मैं समझता हूँ एक ही फूल दुनिया में खिला, वो फूल द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले ब्रिटेन का फूल था और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका का फूल था। वो फूल ही पूरी दुनिया में खिलता रहा। हाँ, कोशिश ये जरूर हुई 20वीं शताब्दी में एक और तीसरा फूल खिला, वो रूसी क्रांति वाला। ये फूल तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद के फूल हैं, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक और फूल खिला, सोवियत संघ जिससे बना, रूसी क्रांति हुई, समाज की अर्थव्यवस्था जिसमें प्रमुखता से हमारे सामने आई, व्यक्ति का केंद्र टूटा, समाज का केंद्र सामने आया, एक ऐसा फूल खिला।
उस फूल को देखकर दुनिया में और फूल खिलने लगे, छोटे छोटे फूल। उसी का परिणाम था कि दुनिया में औपनिवेशिकता से मुक्ति मिली, द्वितीय विश्वयुद्ध से की वजह से मुक्ति मिली, और ये जो नया तीसरा फूल खिल गया था रूसी क्रांति वाला समाजवादी फूल, इससे दुनिया के सोच में परिवर्तन हुआ। आप देखते हैं कि जब 1917 में ये क्रांति हुई थी, उसके बाद से आप देखते हैं 25-30 सालों में या 50 सालों तक आदमी बहुत दूसरे तरह से सोचता था, बहुत अलग तरह से भी सोचते थे लोग, दोनों तरह से सोचते थे। इसीलिए हमारे यहाँ मिलीजुली अर्थव्यवस्था आई थी। अगर सोवियत संघ नहीं होता तो हमारे यहाँ पहले ही प्राइवेट इकोनॉमी आ गई होती। अगर अमेरिका का प्रभुत्व जैसे कायम हुआ था, उस प्रभुत्व को अगर तोड़ा दुनिया में, तो वो सोवियत संघ ने तोड़ा था, क्योंकि 1945 के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का तंत्र पूरे विश्व में प्रभावित हुआ, इंग्लैंड का भी रहा, लेकिन उसमें सोवियत संघ का भी था। तो इसलिए ये सही कहा, सही नेहरू जी ने किया, बहुत सही किया। उस जमाने में यही संभव था कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो और गवर्नमेंट सेक्टर भी हो, ये दोनों मिलकर के काम करें। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं आज, जो पब्लिक सेक्टर में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, जो दिख रहा है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोक हित का काम होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब है लोक हित का काम करना, जैसे अस्पताल में दवाइयां मुफ्त मिलना, अस्पताल में मुफ्त इलाज होना। तो ये सब उस प्राइवेट सेक्टर का परिणाम नहीं है। आज भी कोरोना में हमने सुना प्राइवेट सेक्टर वाले 8-8 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं दिल्ली में। तो प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ विशुद्ध मुनाफे का सेक्टर होता है, वो लोकहित का सेक्टर नहीं होता। तो मैं दरअसल ये कह रहा था कि ये सब शिक्षा की वजह से हुआ है। अगर पूरा समाज ढंग से शिक्षित होता तो हम किसी भी रूप में 30 साल पहले हिंदुस्तान की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसको बदलने नहीं देते, क्योंकि हमारा देश यूरोप और अमेरिका जैसे समृद्ध देश नहीं है। हमारे यहाँ गरीब बहुत लोग हैं, उन गरीबों का हित आप पब्लिक सेक्टर को सुरक्षित रख के ही कर सकते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या, 40 करोड़ से भी ज़्यादा आदमी जहाँ गरीबी की रेखा से नीचे हो, वहाँ आप प्राइवेट सेक्टर से उनका हित करेंगे। इतनी बड़ी आबादी जो अमेरिका से भी बड़ी आबादी है, उसका हित आप पब्लिक सेक्टर से ही कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से ही कर सकते हैं। वो सरकारी क्षेत्र सही अर्थ में पब्लिक सेक्टर हो जाता तो क्या कहना था, वो हुआ नहीं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर के अस्पताल, पब्लिक सेक्टर के स्कूल, यही कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए। आज कोरोना से लड़ाई में आप देख लीजिए, पब्लिक सेक्टर के अस्पताल अगर नहीं होते तो कैसी भयावह स्थिति होती देश में। पब्लिक सेक्टर ने ही बचाया है, वो जैसा भी है, हालांकि वो पब्लिक सेक्टर को पंगु कर दिया गया है, विकलांग कर दिया गया है। पिछले 30 सालों में लगभग सभी दल उस प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में आ गए, उस ग्लोबलाइजेशन के समर्थन में आ गए, वैश्वीकरण के समर्थन में आ गए, जो वैश्वीकरण प्राइवेट पूंजी को आगे बढ़ाता है और उन गरीबों की, उन मेहनतकशों की चिंता बिल्कुल नहीं करता जो मेहनतकश भगवान के भरोसे रहते हैं। मेहनत तो वो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं इस मेहनत को कौन ठग ले जाता है, कौन ले जाता है, ये उनको पता ही नहीं है। और जो पढ़ा लिखा वर्ग है वह उनको कुछ बतलाता नहीं है। इसलिए मित्रों, शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका पर जब हम विचार करते हैं तो हम इन सारे प्रश्नों पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका केवल ये नहीं है कि हम शिक्षा में पढ़ाएं सत्य बोलो, परोपकार करो, परहित करो, करुणा आपके मन में पैदा होनी चाहिए, ये खूब कहते हैं लेकिन होती नहीं है। क्यों, ये सब होता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवहार जिंदगी में अलग होता है, बिल्कुल सिद्धांत अलग होते हैं। सिद्धांत तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं धार्मिक ग्रंथों में, लेकिन चलता कौन है उन पर? जो धार्मिक ग्रंथों का रोजाना पाठ करते हैं उनको ही देख लो, उनकी जिंदगी को ही देख लीजिए, वही नहीं चल पाते।
तो सिद्धांत का कथन करना और व्यवहार को देखना, व्यवहार में तो बिल्कुल अलग हो रहा है जो सिद्धांत में नहीं हो रहा है। इसलिए मित्रों, इन सारे प्रश्नों पर बहुत संस्कृत तरीके से विचार करना जरूरी है। अगर हम सांस्कृतिक भूमिका पर विचार करते हैं तो मैंने हिंद स्वराज की बात आपसे की थी, महात्मा गांधी हमारे देश के स्वाधीनता के नायक, उनसे बड़ा कोई नहीं है सांस्कृतिक व्यक्ति। मैं समझता हूँ कि सांस्कृतिक व्यक्तित्व तो अगर दो हैं, अगर दो आप करें कला, संस्कृति की जो कला है वो तो महात्मा गांधी में है, और संस्कृति का जो विज्ञान है वो जवाहरलाल नेहरू में है। ये दोनों मिलकर एक पूरी संस्कृति बनाते हैं, संस्कृति का निर्माण करते हैं, और दोनों इस देश के बहुत शिक्षित लोगों में से थे, दोनों ही। ये सामान्य शिक्षा वाले लोग नहीं थे, और केवल स्थानीय संकीर्ण शिक्षा इन्होंने प्राप्त नहीं की थी, बल्कि इनके पास एक विश्व दृष्टिकोण था, पूरे विश्व का नजरिया इनके पास था। तो ये दोनों मिलकर जिस नेतृत्व की शुरुआत हुई, उसी वजह से हमारा देश एक लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश बना। अन्यथा आप अंदाजा लगाइए, जब देश विभाजित हो गया उस जमाने में इन लोगों ने उस सांप्रदायिक उभार से देश की रक्षा की और देश को लोकतंत्र की ओर मोड़े रखा। उस समय कुछ भी हो सकता था, जब धर्म के आधार पर एक देश अलग बन चुका था, तब उस ऐसे माहौल में इन दोनों महान व्यक्तित्वों ने, नेहरू और गांधी ने, देश को लोकतंत्र के रास्ते पर अड़िग भाव से चलाए रखा। यह बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। महात्मा गांधी ज्यादा जीवित नहीं रहे, ये अफसोस की बात है। वो पूरी तरह से सांस्कृतिक व्यक्ति था, धर्म की वो बात जरूर करते थे, लेकिन उनके धर्म में कुछ कमजोर पहलुओं को छोड़ दें हम, तो उनके धर्म में एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व, महाव्यक्तित्व रहता था, सांस्कृतिक मूल्यों वाला। इसलिए आप देखिए कि उन्होंने जब उनसे जब बात की शिक्षा पर, तो मैं हिंद स्वराज में शिक्षा की बात कर रहा था, तो उन्होंने आधा जो हिस्सा है उसका भाषा पर रखा है, भाषा पर आधा रखा है मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व पर, और आधा रखा है उसकी अभिव्यक्ति पर, भाषा पर। वो बार बार ये कहते हैं कि अपनी भाषाओं में ही हम सांस्कृतिक देश का निर्माण कर सकते हैं, अपनी भाषाओं का विकास हम करें, अपनी भाषाओं में ज्ञान का विकास करें। और वो उदाहरण वहां देते हैं वेल्स का, कि इंग्लैंड में वेल्स एक छोटा सा वो है जनपद, लेकिन वेल्स वासी ये चाहते हैं कि उनकी वेल्स भाषा में ही सारी बातें हों। देखिए, अंग्रेज जब यहां आए तो अंग्रेज तो हमारे ऊपर लंबे समय तक राज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दो तीन चीजों का सहारा लिया था। आप पढ़िए पूरा भारत में अंग्रेजी राज को, उन दिनों के इतिहास को, तो आपको मालूम होगा कि एक तो वो ये कहते थे, उनके बहुत से विद्वान, की जो जात पाती है भारतवर्ष में और जो ये धर्म धार्मिक विभेद है, इसका हमको लाभ मिलेगा। वो कहते थे कि ये अपने आप डिवाइडेड हैं, विभाजित हैं, ये एक नहीं है, इसलिए हम लंबे समय तक उनके इतिहासकारों ने, उनके दार्शनिकों ने, उनके विचारकों ने ये सब विचार किए उस जमाने में, कि हम लंबे समय तक ये जो यहाँ पैदा है अपने आप ही ये विभाजित हैं, उससे हम बहुत लंबे समय तक राज कर सकेंगे। ये भी एक सांस्कृतिक समस्या ही है। हम विभाजन जो अंदर से होता है आदमी का, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो प्रांतीय हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जातिगत श्रेष्ठता और निम्नता के आधार पर हो, ये विभाजन भी इसलिए होता है कि कहीं कोई गहरी सांस्कृतिक भूमिका की कमजोरी है हमारी शिक्षा में। शिक्षा इस खाई को पाट ही नहीं पा रही है। तो ये मैं ये कह रहा था, तो ये दरअसल उस समय, उस जमाने में जब अंग्रेज यहां आए, तो उन्होंने भाषा के प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना था। उस पर लगभग 20 साल तक डिबेट हुई थी।
1813 में पहली बार उन्होंने 1,00,000 रुपये महीने स्वीकृत किए थे शिक्षा के लिए। 1813 तक आते आते अंग्रेज़ों को ये मालूम हो गया था कि अब शिक्षा की बड़ी ज़रूरत है, अब हमको कारकुनों की ज़रूरत है, हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारी भाषा भी जाने और इनकी भाषा भी जाने, जो हमको अंदर से जासूसी करते रहें, जो बतलाते रहें कि भारतवर्ष की जनता में हमारे प्रति क्या भाव चल रहा है, और हमारा हमारे सहयोगी भी बने, हमारे सहायक भी बने। और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि वो ये हमारी संस्कृति को भी अपनाएं, हमारे जासूस भी बने, हमारे कारिंदे भी बने, और साथ में ये हमारी संस्कृति को भी अपनाएं। संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तो हम लंबे समय तक राज नहीं कर पाएंगे। लंबे समय तक राज आप तभी कर सकते हैं जब आप सांस्कृतिक भूमिका को प्रभुत्वकारी बना दें। तो आधुनिक सांस्कृतिक जो भूमिका होनी चाहिए थी, उन्होंने उसको अंग्रेजी के माध्यम से हमारे देश में लागू की। इस बात पर बड़ी लंबी बहस है। पार्लियामेंट की जो सिलेक्ट कमेटी हुआ करती थी, चूंकि उस जमाने में अंग्रेजों का सीधा राज्य नहीं था यहाँ, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, उसके गवर्नर जनरल होते थे जो नियुक्त होते थे इंग्लैंड से। 1858 में इंग्लैंड का सीधा राज्य हुआ है, जब 1857 में हमारे यहाँ स्वाधीनता संग्राम हुआ, जब उनको मालूम पड़ा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से राज नहीं चल सकता, तो दूसरे तरह का 1858 के बाद राज बना। लेकिन 1858 से पहले ही अंग्रेजों के मन में यह आ गया था, लॉर्ड मैकाले 1834 में यहाँ आए थे, उससे पहले लॉ मेंबर होकर आए थे, लेकिन बाद में वही उनकी लॉ मेंबर की योग्यता को देखकर उनको फिर से भेजा गया 1834 में। और उस समय उनके दोस्त यहाँ गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, तो एक बहस चल रही थी पहले 20 साल से कि हम एजुकेशन तो दें। एक तो ज़माना ऐसा था, लंबा समय 1757 के बाद 1813 तक ऐसा समय निकल गया जबकि अंग्रेज ये मानते थे कि इनको शिक्षित किया ही ना जाए, अगर शिक्षा दी जाएगी तो ये आज़ादी की मांग करने लगेंगे, इसलिए अशिक्षित रखा जाए, पहले तो उन्होंने ये कहा। और बाद में फिर जब उनको ज़रूरत पड़ने लगी तो उन्होंने कहा कि अब कैसी शिक्षा दी जाए, तो दो ग्रुप बने, एक ओरिएंटलिस्ट था एक ऑक्सीडेंटलिस्ट था। ओरिएंटलिस्ट तो ये कहता था अंग्रेज़ों का कि इनको अपनी ही शिक्षा दो, संस्कृत में दो, फारसी में दो, क्षमा करें। तो इसमें शिक्षा देंगे तो ये एक मन ठीक बनेंगे, लेकिन नहीं, दूसरा जो बड़ा ग्रुप था वो ये कहता था कि नहीं, अगर इनको अपनी भाषाओं में शिक्षा दी गई तो संस्कृत में अगर दी जाएगी तो हिंदू ये समझेगा कि अरे हमारा इतना बड़ा राज था, हम ऐसे लोग थे, ये अंग्रेज़ों ने आकर हमारा राज छीन लिया। फारसी में पढ़ेंगे तो फारसी में इनको ये याद आता रहेगा, अरे फारसी के माध्यम से ये अपना इतिहास देखेंगे कि हमारे यहाँ बादशाह थे, हमारे यहाँ इतने लोग थे, और इनको वो सब बातें याद आएंगी। ये दूसरा गुट कह रहा था, और वो अपना अनुभव बताता था कि रोमन साम्राज्य जो 1200 साल तक लगभग रहा, ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से भी पहले से जो रोमन साम्राज्य हुआ, उसका उदाहरण देते थे कि रोमन लोगों ने पूरे यूरोप में आकर रोमन संस्कृति को स्थापित किया, और रोमन संस्कृति के माध्यम से वो लंबे समय तक राज करते रहे। ये उदाहरण वो दिए, उन्होंने उदाहरण दिए, सेलेक्ट कमेटी के सामने गवाहियां दी। तो अंत में लॉर्ड मैकाले ने ये तय किया फाइनली कि देखिए अंग्रेजी का माध्यम रखिए, क्योंकि हमें ऐसे आदमियों की जरूरत है जो रंग में भले ही से हिंदुस्तानी हों, जन्म में हिंदुस्तानी हों, लेकिन वर्ड इंटेलेक्ट ओपिनियन में वो पूरे अंग्रेज हों। ये उनके शब्द हैं लॉर्ड मैकाले के। ऐसे मनुष्य का निर्माण करें भारतवर्ष पे जिसकी ओपिनियन हमारी जैसी हो, जिसकी वर्ड, जिसकी भाषा, जिसका इंटेलेक्ट, जिसकी बुद्धि हम जैसी हो, ऐसे मनुष्य का निर्माण करें। ये 1835 में उन्होंने कहा।
क्योंकि 1834 में वुड्स का डिस्पैच, जिसे एजुकेशन डिस्पैच कहते हैं, वो एजुकेशन डिस्पैच आ चुका था और उससे कुछ बनारस में, कुछ कलकत्ते में, उसके बाद वहाँ कुछ विद्यालय मदरसे खुल चुके थे, कुछ उन्होंने विश्वविद्यालयों की योजना बना ली थी, मेडिकल कॉलेज बना लिया था कलकत्ते में, तो ये सब उस समय हो चुका था। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सांस्कृतिक भूमिका की एक पूरी पृष्ठभूमि है, शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका कैसे होती है और उसमें लैंग्वेज, उसमें भाषा क्या भूमिका अदा करती है, हम लोग नहीं सोचते बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ कोई सेलेक्ट कमेटी, और बन भी जाती है अगर सेलेक्ट कमेटी जैसी अगर कोई इस तरह का हो भी जाता है तो उसको सरकारें लागू नहीं करती हैं, उससे होता जाता कुछ नहीं है। लागू करती हैं तो खंड रूप में लागू करती हैं, उसको समग्रता के से लागू नहीं करती। जैसे NCF 2005 में प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में बनी, लेकिन हुआ क्या उसका? एक राष्ट्रीय सहमति का दस्तावेज बना बहुत अच्छा प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में, जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करता, शिक्षा की एक सांस्कृतिक भूमिका तय करता, तो वो माने ही नहीं, वो आज तक लागू नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर लागू हुआ तो पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट सरकारी स्कूलों में तो लागू हुआ, सरकारी में फिर भी थोड़ा बहुत टीचर कुछ लोग होते हैं, हमारे महेश पुनेठा जैसे साथी जो बहुत परेशान रहते हैं शिक्षा में, शैक्षिक दखल जैसा मंच बनाते हैं और अपने उत्तराखंड के शिक्षकों में कोशिश करते हैं शिक्षकों में बदलाव पैदा करें, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। व्यक्तिगत स्तरों पर उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, मैं उनके यहाँ पिथौरागढ़ गया हूँ, मैंने देखा है। तो ये दरअसल इस तरह की भूमिका हमारी अलग अलग राज्य में, अलग अलग जनपदों में जो नहीं रही है, वो इसके पीछे कारण ये है कि हमने इन चीज़ों पर अपने स्तरों पर विचार बहुत कम किया है और हम कुछ बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो गए हैं। एक और हुआ है, राजनीतिक तंत्र जब से बना, लोकतांत्रिक तंत्र बना, उसने राजनीति ने जब जिस तरह से सारी कमान अपने हाथ में ले ली समाज से, हर काम राजनेता करेगा, हर काम, ये अजीब तरह का माहौल है। समाज की सत्ता जैसे कोई है ही नहीं, सब कुछ राजसत्ता के हाथ में है, तो संस्कृति कहाँ से पनपेगी? संस्कृति तो समाज के स्तर पर भी पनपती है, परिवारों में भी पनपती है। हमारे परिवार क्यों जातिवादी हैं, हमारे परिवार क्यों सांप्रदायिक हैं? क्योंकि हम परिवारों में उस तरह की संस्कृति पैदा ही नहीं कर पाते, हम परिवार को शिक्षा का कोई समूह ही नहीं मानते। जबकि पहला मैं मानता हूँ, स्कूल तो बाद में आता है, पहला समूह जो संस्कृति की शिक्षा देता है वह समूह तो परिवार ही होता है। उस वो परिवार ही तय करता है कि हम किस बिरादरी के हैं, वो परिवार ही शिक्षित करते हुए हमारे माँ बाप ये लगातार अपनी कहानियों को सुनाते रहते हैं बुजुर्गों की, और मिथकों में सुनाते रहते हैं, मिथक बना लेते हैं, अपनी जातियों के मिथकों को सुनाते हैं। धर्म संप्रदाय का मिथक तो और बड़ा होता है, उसको तो बहुत लोग सुनाते ही हैं, उसको तो बाहर भी सुनाते हैं, भीतर भी सुनाते हैं, मंदिर में जाके भी सुनते हैं, मस्जिद में जाके भी सुनते हैं, कथाएं होती हैं तब सुनते हैं। तो ये जो सांस्कृतिक भूमिका है ये तो परिवार से शुरू हो जाती है, हम समझते हैं, और शिक्षा भी वहीं से शुरू हो जाती है, हम समझते हैं सब कुछ स्कूल कर रहा है। अरे स्कूल नहीं कर रहा है, अगर आप महाभारत की कथा भी लें तो स्कूल कहाँ कर रहा है, वहाँ भी द्रोणाचार्य के यहाँ जब कौरव पांडव जा रहे हैं तो पहले से ही वो ट्रेंड होकर जा रहे हैं, वहाँ कौरव और पांडवों को कहा जा रहा है कि तुम उच्च कुल के हो, तुम राजकुल के हो, तुम क्षत्रिय कुल के हो, तुमको ही अधिकार है केवल शिक्षा लेने का। ये कितनी बड़ी कमजोर भूमिका है सांस्कृतिक मनुष्य की। अगर कोई हमको पहले ही सिखा के भेजे कि तुम फलां बिरादरी से हो और ऊंची बिरादरी से हो और किसी नीची बिरादरी के साथ मत बैठ जाना, उसके हाथ का पानी मत पी लेना, ये मानो कोई सिखाए, तो कितनी गलत, ये गैर सांस्कृतिक, गैर लोकतांत्रिक भूमिका है। लेकिन ये है, इसीलिए हिंदू के घर में हिंदू और मुसलमान के घर में मुसलमान, ईसाई के घर में ईसाई और सिख के घर में सिख। हमारी अगर बड़ी सांस्कृतिक भूमिका हो, परिवार में माता पिता और ज़्यादा पढ़े लिखे हों, तो हमारी सांस्कृतिक भूमिका बड़ी होगी। हम ये भी बताएंगे कि रामायण महाभारत तो हमारे ग्रंथ हैं ही,
हमारी एक बड़ी संस्कृति है, हमारी हम महान संस्कृति के विरासत के रक्षक हैं। लेकिन हम ये भी बताएं कि हमारे देश में सांस्कृतिक भूमिका में कह रहा हूं और धर्म भी हैं, उन धर्मों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, अपने ही धर्म के बारे में नहीं जानते, उपनिषदों में क्या कहा गया है यही बहुत ज्यादा नहीं जानते, हम यही नहीं जानते कि ये क्यों कहा कठोपनिषद उसमें ईशावास्य उपनिषद में ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा ग्रह कस सिद्धनम। तो ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा संसार ईश्वरमय है, तो फिर हम इसको बांट के क्यों देखते हैं, हम इसको हिंदू में क्यों कर देते हैं, ईश्वर में क्यों नहीं रहने देते। उपनिषद तो ये कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम और तेन त्यक्तेन भुंजी था, उपनिषद पहला उपनिषद ये हमारा, वो कहता है कि इस संसार में आओ लेकिन इस संसार का त्याग पूर्वक भोग करो। हम उपभोक्तावाद में फंस गए हैं पूरी तरह से, हम त्याग कहां कर रहे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां कश्चित शुद्धनम, धन किसी का नहीं है, ये धन खत्म होने वाला है, अगर हम इसका भोग करें तो त्यागपूर्वक करें, यानी त्यागपूर्वक अगर भोग करेंगे तो जो बचेगा वो दूसरे को भी मिल जाएगा, सब कुछ हमारे पास ही नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य ने तो धीरे धीरे ऐसी सभ्यता बना ली है जिसमें एक ही मनुष्य सारा भोग करना चाहता है। किस तरह से उपभोक्तावाद बढ़ा है, किस तरह से हमारे घरों में चीज़ें बढ़ गई हैं, अनावश्यक चीज़ें बढ़ गई हैं, अनावश्यक कपड़े, अनावश्यक जूते, अनावश्यक और सामग्री लाद दे रहे हैं उसको। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका, दरअसल विषयांतर हो रहा है मित्रों, क्षमा करें, लेकिन विषयांतर के बिना हम चीज़ों को ढंग से ग्रहण नहीं करते, हम शिक्षा को फिर वही औपचारिक शिक्षा में ले जा करके और बंद कर देंगे। औपचारिक शिक्षा, स्कूलों की शिक्षा, वो तो एक औपचारिक तरीके से एक बक्से में बंद शिक्षा है, वो दिमागों को मुक्त नहीं करती है, वो कैरियर की शिक्षा देती है केवल। उससे आप कलेक्टर SP बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंसान नहीं बन सकते, एक नैतिक इंसान नहीं बन सकते। त्याग पूर्वक भोग करने वाली उपनिषद की बात को आप वहां नहीं समझ सकते, वो तो आपको उस औपचारिक केंद्रों से बाहर आकर अनौपचारिक केंद्रों में आकर ही समझनी पड़ेगी और बड़ी भूमिका में आकर समझनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षा का सवाल कोई बहुत छोटा सवाल नहीं है, ये मानवता का संपूर्ण सवाल है, ये मानवता में उथल पुथल मचाने वाला सवाल है, यह युद्धों को खत्म करने वाला सवाल है, यह बाजारों की होड़ को खत्म करने वाला सवाल है। होड़ किस बात की, प्रतिस्पर्धा किस बात की, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो हो, लेकिन ऐसी क्या प्रतिस्पर्धा जिसमें आदमी एक दूसरे की जान ले ले। कोई कह रहा है ये कोरोना वायरस फला देश ने निकाल दिया, तो निकाला अगर है तो वो नव उदारवादी नीतियों की वजह से निकाला है। आप बाजारी बाजार को विकसित कर रहे हैं, मनुष्य के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आदमी कुछ भी निकाल देगा। एटम बम भी तो आपने निकाल लिया, एटम बम निकालने से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे दो बड़े नगर ध्वस्त हो गए, क्या हुआ वो। ये शिक्षा है हमारी, ये आधुनिकता है, आधुनिक मनुष्य बन के हमने विनाशकारी भूमिका में आदमी आ गया है, तो इन सवालों पर हम सोच क्यों नहीं रहे हैं। इन सवालों पर समाज को अपने तरीके से, इसी तरह से समूह बनाकर, जनपदीय समूह बनाकर, पारिवारिक समूह बनाकर, नगर के समूह बनाकर, अपने अपने स्तरों पर शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका तय करनी चाहिए। और ये रोजाना, ये ऐसा नहीं है, रोजाना हमारे जीवन में होना चाहिए शिक्षा, पूरी जिंदगी में। आप गोरखी को पढ़िए, गोरखी को देखिए, अरे आप कदम कदम पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब बाजार में जाते हैं तो शिक्षा प्राप्त करते हैं, अनुभव शिक्षा ही तो है, जो भी हम नया अनुभव जीवन में प्राप्त करते हैं वो शिक्षा ही है। हमने दरअसल एक ऐसा सांचा शिक्षा का बना दिया है
स्कूल तो औपचारिक शिक्षा के लिए है, वो जरूरी हैं, ये नहीं कि स्कूल जरूरी नहीं है, स्कूल भी जरूरी, कॉलेज भी जरूरी, विश्वविद्यालय भी जरूरी, लेकिन वो पर्याप्त शिक्षा नहीं दे पाते। शिक्षा अगर देनी है बच्चे को तो घर से शुरू करिए, घर से चीज़ों को तोड़िए, घर से चीज़ों को बड़ा बनाइए, घर से मनुष्य के मन में एक आधुनिक रचनात्मक सांस्कृतिक भूमिका तय कीजिए, और ये विवेक आदमी में पैदा कीजिए कि आदमी खुद ये निर्णय करे क्या गलत है क्या सही है। आज तो हालत ये हो गई है कि हम टेलीविज़न देख करके गलत और सही तय करते हैं। टेलीविज़न में जो आ रहा है वो जो कह रहा है उसी को हम सच मान रहे हैं। ये हम नहीं जान रहे हैं कि टेलीविज़न एक पूरी लोकप्रिय संस्कृति को बढ़ावा देने वाला है, उस लोकप्रिय संस्कृति को बढ़ावा देने वाला है जो उच्च टेक्नोलॉजी की ताकत से और बहुत बड़ी पूंजी की ताकत से हम सबके मन दिमाग पर कब्जा कर रहा है, हमको पराधीन मन बना रहा है। हम सोच में कितने पराधीन हैं, जो वो कह देता है वही सोचने लगता है आदमी। जो एक झूठी न्यूज एक फेक न्यूज वो गड़गड़ करके डालता रहता है और हम लोग उस प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए आ जाते हैं कि हमने अपने मन को अपने दिमाग को एक सांस्कृतिक भूमिका में लाकर नहीं देखा है, एक ऐसी सांस्कृतिक भूमिका जिसमें हमारा मन हमारा दिमाग पूरी तरह से पराधीनता से मुक्ति हो जाए, किसी दूसरे के प्रभाव में न रहे, खुद सोचे और देश के हित में सोचे, समाज के हित में सोचे, परिवार के हित में इस तरह सोचे कि वो पूरे देश का हित लगे। अभी हम परिवार के बारे में और अपने बारे में जिस तरह सोचते हैं वो हमारा निजी हित होता है। ऐसा हमारी सोचने की पद्धति हो कि व्यक्ति का हित समाज का हित बन जाए, ऐसा सोच सकता है। लेकिन ऐसा मित्रों तभी सोच सकता है जब हम अपनी भाषाओं में मौलिक ढंग से सोचें। अभी तो हमारी देश के बच्चों की सारी ताकत विदेशी भाषा सीखने में लग जाती है, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक भाषा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन ये हमको नहीं सीखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का अग्र गण्य और अग्रतम ज्ञान आज उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं है, हम पिछड़ गए हैं ज्ञान में। इसलिए आप देख लीजिए, हमने लोकतंत्र जो बनाया, संविधान बनाया, उसमें ज़्यादातर यूरोप के देशों से अमेरिका से ही सीख कर उन चीज़ों को बनाया। पार्लियामेंट का अनुकरण करके हमने संसद बनाई, लोकतंत्र जैसा उन्होंने वोट के आधार से चुना वैसा ही लगभग हमने मिला जुला एक बनाया। इंग्लैंड, चूंकि इंग्लैंड के हम गुलाम थे, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, इसलिए अंग्रेजी पद्धति के हम नज़दीक ज़्यादा थे, तो हमने ज़्यादातर अंग्रेजी पद्धतियों को अपना लिया। ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम और कुछ कर ही नहीं सकते थे। महात्मा गांधी तक को ये कहना पड़ा कि मैं पार्लियामेंट में विश्वास नहीं करता, पार्लियामेंट्री सिस्टम में विश्वास नहीं करता, लेकिन मजबूरी है कि यही अपनाना पड़ेगा। उन्होंने तो इंग्लैंड की संसद को एक ज़माने में आप देखते हैं उस हिंद स्वराज में ही वेश्या कह रखा है, वेश्या। कई लोगों ने बाद में ऑब्जेक्शन किया दो शब्दों पर, गांधी जी से बहुत लोग सवाल जवाब किया करते थे, तो उन्होंने कहा महाराज आप ये दो शब्द हटा दीजिए, तो आपने बांझ कहा है और एक वेश्या कहा है, ये स्त्री पर ही लांछन है। तो उन्होंने कहा मैं सहमत हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये नहीं है ऐसा। तो दरअसल वो सहमत नहीं थे इन चीज़ों से, लेकिन वो जानते थे कि हमारे यहाँ ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्होंने आखिर यही कहा कि बनानी हमको पार्लियामेंट्री पड़ेगी। तो ये सोचें हम गंभीरता से कि क्या कारण है कि अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो विदेश जो सोचता है वही हमारे पास हो, हमारे अर्थशास्त्र के अपने विद्वान हैं ही नहीं मौलिक, अपनी भाषा वाला कोई विद्वान ही नहीं है। इतिहास के बारे में सोचते हैं तो इतिहास वाला भी वहीं से लाते हैं कि यूरोप में क्या सोचा है, अमेरिका में क्या सोचा है, क्यों, क्योंकि वो अग्रगामी सोच रखते हैं। जिस उत्तराधुनिकता के बारे में हम 20 साल से 15-30 साल से चर्चा कर रहे हैं, उस उत्तराधुनिकता के बारे में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्कूल में पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में सोचना शुरू कर दिया था। आप जानते हैं उसमें उत्तराधुनिकता जो आज हम सोच रहे हैं,
उत्तराधिकता का मतलब वित्तीय पूंजी के काल में, औद्योगिक पूंजीवाद के बाद जो एक छलांग लगी वित्तीय पूंजी की, उस वित्तीय आवारा पूंजी जिसे हम कहते हैं, जिसने वैश्वीकरण किया, वो वित्तीय पूंजी नहीं होती तो वैश्वीकरण भी नहीं होता, क्योंकि पूरे विश्व में भ्रमण करने के लिए उस आवारा पूंजी को पूरा विश्व चाहिए। वो एक देश में भ्रमण नहीं कर सकती, एक देश में वो शोषण नहीं कर सकती, उसको पूरे दुनिया का शोषण करने को आबाद आज़ादी चाहिए थी। इन प्रश्नों पर 1902 में तो अमेरिका में सोचना शुरू कर दिया था लोगों ने, 1902 में। और जर्मनी में जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था उसमें वाल्टर बेंजामिन, अडोर्नो, होर्खे मेयर, इन लोगों ने तीसरे दशक में सोचना शुरू कर दिया था। हम अब भी उनका ही अनुकरण करते हैं जैसे वो सोचते हैं। उन्होंने बता दिया था, अडोर्नो ने बताया कि ये जो संस्कृति आ रही है, लोकप्रिय संस्कृति, मास मीडिया वाली, ये पॉपुलर जो कल्चर आ रही है, और एक वो जो परिष्कृत संस्कृति है, दो तरह की संस्कृति उन्होंने मानी। परिष्कृत संस्कृति तो नीचे जा रही है, उसकी तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। कविता कितने लोग पढ़ते हैं, साहित्य कितने, हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं क्यों पढ़ें कविता ज़्यादा, क्योंकि हमने एक लोकप्रिय संस्कृति पैरेलल खड़ी कर रखी है जो लाखों रुपए कवि सम्मेलन में मार रहा है। हम उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं और उसको ही बड़ा कवि मानते हैं। जो टेलीविजन में आ रहा है, घंटे घंटे के लाखों रुपए ले रहा है, उसको हम बड़ा कवि मानते हैं। ये क्यों हो रहा है? और घटिया सी तुकबंदियाँ, घटिया सी बातें, हंसी मजाक, उसको हमने संस्कृति कह रखा है। तो ये इन प्रश्नों पर आज से लगभग 80-90 साल पहले जर्मनी में विचार हो रहा था। और अडोर्नो कह रहे थे कि ये जो आवारा पूंजी है, ये जो घूम रही है, इसकी होड़ की वजह से ये हिटलर आया है, जिसकी वजह से जर्मनी छोड़कर उनको अमेरिका जाना पड़ा था। सर्वसत्तावाद तब आता है जब आप अर्थतंत्र को अपने नियंत्रण से बाहर हो जाने देते हैं, तब कुछ लोग मिलकर बाजारों के लिए अपने अर्थ वृद्धि के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने इंडेक्स के लिए पूरे अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेते हैं, तो पॉलिटिक्स बदल जाती है। फिर सर्वसत्तावाद आता है, फिर फासिज्म आता है। तो वहां फासिज्म आया, उसके प्रति बेखबर नहीं था यूरोप, हालांकि बहुत कम लोग रह गए थे, तो वो जो उनको अमेरिका भागना पड़ा। लेकिन अमेरिका में उन्होंने जाकर देखा कि यहां दूसरे तरह का सर्वसत्तावाद है, या फांसीवाद तो नहीं है। देखिए दोनों बातें लिखते हैं वो अपने अनुभवों से। हमारे यहां कहां है ऐसे लोग जो अनुभव करते हैं इस तरह से। अमेरिका में जाकर अडोर्नो ने लिखा यहां लोकप्रिय संस्कृति बनाई जा रही है टेलीविजन के माध्यम से। टेलीविजन के माध्यम से क्रिकेट को लोकप्रिय बनाना, फिल्म के कुछ लोगों को महानायक बना देना, फिर उनसे विज्ञापन कराना, उनको विज्ञापन में लाना, फैशन की सुंदरी प्रतियोगिता तय कराना, उन सुंदरियों के मार्फत विज्ञापन लाना, ये सब अडोर्नो ने सोचा। और उसको कहा ये मास मीडिया वाली पॉपुलर कल्चर है, ये पॉप कल्चर है, ये लोकप्रिय संस्कृति है। और ये लोकप्रिय संस्कृति का सर्वसत्तावाद अलग तरह का होता है। यहां भी आप विरोधी विचार नहीं रख सकते, यहां भी आपको एक ही तरह से सोचना पड़ेगा। ये जो टेलीविजन और उच्च टेक्नोलॉजी जो आई दुनिया में, इसने पूरी दुनिया को भिन्न तरीके से सोचना सिखाया ही नहीं, बहुलतावाद पर प्रहार किया। इसलिए आप देख लीजिए उत्तराधुनिकतावादी जो दार्शनिक आए, चाहे मिशेल फूको आए, चाहे जुर्गेन हेबरमास आए, चाहे फ्रेडरिक जेम्सन आए, चाहे रूस में बाख्तिन आए, उन सभी लोगों ने इन प्रश्नों पर विचार किया बड़ी गंभीरता से कि हो क्या गया है। ये जब से आवारा पूंजी दुनिया में घूम रही है, या आवारा पूंजी आई है, इसने एक नई संस्कृति को पैदा किया है जो संस्कृति आधुनिकता की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। और उन्होंने इस सब के कारण ढूंढे उस आधुनिकता में, जो प्रबोधन काल था, जो एनलाइटनमेंट था। डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट एक किताब लिखी अडोर्नो ने और होर्खे मेयर दोनों ने मिलकर, 1947 में ये प्रकाशित हुई जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप अंदाजा लगाइए उस जमाने में तो वो उन सवालों पर विचार कर रहे थे जब हम केवल आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे मन में ये सवाल ही नहीं थे। लेकिन वो अपनी भाषाओं में सोचते थे,
हमारा सोचने का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हुआ पड़ा है। कारण यह है कि कुछ लोग हैं जो ऊपर के लेवल पर उस भाषा उन भाषाओं को जानते हैं। हमने कभी यह सर्वे नहीं किया कि हमने इतनी अंग्रेजी पढ़ाई लेकिन अंग्रेजी में कितना लोगों ने मौलिक काम किया। केवल अनुकरण करते रहने से, केवल अनुवाद करते रहने से, नकल करते रहने से तो काम चलता नहीं है। हमारे देश में जब विद्वान पैदा हुए थे तो वो नकल नहीं होती थी उस जमाने में। हमारे देश में जब आर्यभट्ट पैदा हुए, हमारे देश में जब वराहमिहिर पैदा हुए, हमारे देश में जब ब्रह्मगुप्त पैदा हुए, हमारे देश में जब चरक पैदा हुए, जब सुश्रुत पैदा हुए, तो अंदाज़ा लगाइए वो संस्कृत में उस ज़माने में सोचते थे। पाणिनी पैदा हुए, यास्क पैदा हुए, ये महाविद्वान पैदा हुए, ये उस ज़माने में हमारे देश कॉलोनी नहीं था, कोई दूसरा देश राज नहीं करता था, स्वाधीन थे लोग और सोचने में भी स्वाधीन होंगे। चाहे कितना ही राजसत्ता का दबाव हो लेकिन राजसत्ता ने इनको आज़ादी दी होगी। तभी चरक ने आयुर्वेद का फिजिशियन, वो बड़े थे जिन्होंने औषधि शास्त्र पर बहुत बड़ी रिसर्च की थी, जिसको दुनिया आज भी ये मानती है कि इतना बड़ा विज्ञान भारत में था। तो ये सब कब था, जब ओरिजिनल हम सोचते थे। इस पर हम विचार नहीं करते, हम प्राचीन संस्कृति की दुहाई देंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ओरिजिनल सोच रहा है। आज़ादी दी है सोचने वाले को, ये भी नहीं सोचेंगे। अरे आप सरकार के नियंत्रण में अगर आप विद्वानों को रखेंगे, राज के नियंत्रण में रखेंगे, तो फिर बिहारी पैदा होगा, फिर कोई कबीर पैदा नहीं हो सकता। कबीर तो तभी पैदा होगा जब कबीर आज़ाद होगा और आज़ाद ढंग से अपनी बात लिखेगा, तभी वो एजुकेट करेगा दुनिया को, तभी वो यहाँ के जाति तंत्र पर, धर्म तंत्र पर प्रहार करेगा और तभी वो कहेगा खुले रूप से, इन दो उन रहा न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। बहुत साफ साफ तरीके से कहेगा। ये सांस्कृतिक भूमिका है, ये कोई और भूमिका नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए, पिछले दिनों अगर आप सोचें तो आप आर्ट्स का जो विषय है वो बहुत कमज़ोर हुआ है पढ़ने में। और कई जगह तो ये बातें आई हैं कि आर्ट्स फैकल्टी को बंद ही कर दिया जाए। अमेरिका में भी आई हैं ऐसी बातें और हमारे यहाँ भी धीरे 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 पढ़ कहाँ रहे हैं। हमारे यहाँ साहित्य कहाँ पढ़ने आता है, जबकि साहित्य में भीड़ लग जानी चाहिए थी, क्यों? साहित्य सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक विषय है दुनिया का, वो बहुत ओरिजिनल ढंग से सोचना सिखाता है। कमज़ोर कितनी भी भूमिका साहित्य की चाहे हो, लेकिन उसी में है कि वो ओरिजिनल ढंग से और मौलिक ढंग से सोचना सिखाता है, परिवर्तनकारी ढंग से सोचना सिखाता है, मानवीय ढंग से सोचना सिखाता है, जो भेद की दीवारें खड़ी हुई हैं उनके विरुद्ध सोचना सिखाता है। कबीर ने तभी तो सोचा, कविता नहीं होती तो कबीर नहीं सोचते। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कविता, लेकिन कविता वही माने स्वीकृत होती है जो आगे ले जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के जो विषय हैं उनको पढ़ना नहीं चाहता कोई, सब विज्ञान में जा रहे हैं, क्योंकि विज्ञान जरूरी है लेकिन विज्ञान अर्थतंत्र को बल देने वाला हो गया है और कुछ नहीं करता है। टेक्नोलॉजी अर्थतंत्र को बल देने वाली हो गई है। टेक्नोलॉजी अर्थतंत्र वो उनमें मनुष्य के दिमाग को परिवर्तन करने की स्थितियां बहुत कम है। प्राकृतिक विज्ञानों में हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान वाले लोग दो तरह से सोचते हैं। क्लास में जो पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत अलग, वो तो दूसरे तरह से पढ़ाते हैं इवोल्यूशन हुआ है पृथ्वी का। लेकिन घरों में आकर वही मानता है जूलॉजी का प्रोफेसर कि परमात्मा ने बनाई होगी, पता नहीं साहब, क्या पता ईश्वर ने बनाई हो। तो ये जो द्वैत जीता है, इस द्वैत को ओरिजिनल चीजें ही आपको मिटाना सिखाती हैं और इस द्वैत को सिखाता है केवल ह्यूमैनिटीज के विषय सिखाते हैं। इसलिए असली शिक्षा ह्यूमैनिटीज के विषयों में होती है। और इस आवारा पूंजी के दौर में, इस वैश्वीकरण के दौर में, इस नवोदारवादी दौर में, इस प्राइवेटाइजेशन के दौर में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा प्रहार ह्यूमैनिटीज पर हुआ है। इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ना चाहते हैं कुछ लोग केवल कि वो इस अर्थव्यवस्था के बारे में इसको रेखांकित करते हुए इसको विकसित करते रहे, बस। इतिहास हमारे यहां तो आप देख लीजिए, यूरोप में और अमेरिका में ये बात कह दी गई थी कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है, इतिहास का अंत हो गया है, कविता का अंत हो गया है, फिलोसफी का अंत हो गया है,
इस सब का अंत क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इनका अंत हो जाना चाहिए। अंत तो नहीं हुआ, लेकिन मंशा ये थी उन लोगों की जो कविता का अंत लिख रहे थे, जो इतिहास का अंत लिख रहे थे, जो दर्शन फिलोसफी का अंत, विचारधारा का अंत लिख रहे थे, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, वो इसलिए लिख रहे थे कि मित्रों अगर अंत नहीं हुआ है इनका, तो अब इनका अंत कर दो, अब इनको बिल्कुल मत पढ़ो, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आप पढ़ेंगे तो आप दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे, और दुनिया को बदलने की कोशिश करने का सीधा मतलब है कि उस अर्थतंत्र को बदलने की कोशिश करना जो व्यक्ति के हित में तो है, और उस व्यक्ति के हित की वजह से थोड़ा बहुत समाज के हित में भी होता है, लेकिन पूरी तरह समाज के हित में नहीं है। तो व्यक्ति और समाज का जो द्वंद्वात्मक रिश्ता है वो अगर बने ढंग से, तो मैं समझता हूँ देश में शिक्षा की एक बड़ी सांस्कृतिक भूमिका होगी। मित्रों इसमें बहुत कुछ कहने को है, मैंने तो अभी हक्सले का वो कोटेशन ही नहीं सुनाया जो गांधी जी ने, मैं जो लिख के लाया, जो गांधी जी ने कोट किया है हक्सले, वो कहते हैं उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई है कि वह उसके वश में रहता है। आज हमारा शरीर वश में ही नहीं रहा है हमारे, टेलीविजन देख लीजिए, दिमाग हमारा वश में नहीं है, जैसे टेलीविजन कहता है वैसा ही हो जाता है। अपने वश में रखना शरीर को, जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है, उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसकी बुद्धि शुद्ध शांत और न्यायदर्शी है। हमारी बुद्धि कहां न्यायदर्शी रही है? न्यायदर्शी तब होती है जब हम मनुष्यता के लिए लड़ते हैं। जैसे अभी नस्लभेद के मामले पर अमेरिका के कुछ लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, प्रतिरोध में खड़े हो गए हैं कि हमें नस्ल भेद नहीं चाहिए, ये न्यायदर्शी बुद्धि है। वो कहते हैं अक्ले उसने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है। हमारा मन कुदरती कानूनों से कहां भरा है यार? हम कुदरत को तो नष्ट करना चाहते हैं, और जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, हमारी इंद्रियां कहां वश में हैं? हम तो निरंतर भोग करना चाहते हैं, निरंतर भोग विलास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिसके मन की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिसे नीच कामों से नफरत है, और जो दूसरों को अपने जैसा मानता है, ऐसा आदमी ही सच्चा शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग कर सकेगा। ये हक्सले ने किए, और ये महात्मा गांधी ने उस जमाने में वो जो उत्तर दिए 1909 में, तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये और भी कहते हैं कि वो है सच्ची शिक्षा, यह है शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका। तो मित्रों ये जो बातें मैंने आपसे की हैं, अब मैं अंत में कहता हूं विस्लावा सिम्बोर्स्का की कविता से अंत करना चाहता हूं। विस्लावा सिम्बोर्स्का पोलिश कवियत्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, और जब सदी का अंत हुआ तो उन्होंने हमारी सदी में कविता लिखा, पूरा मूल्यांकन किया कि 20वीं सदी में ये 20वीं सदी का सांस्कृतिक मूल्यांकन है। जो कवियत्री कवि लोग सांस्कृतिक कर्म ही करते हैं, कवियों की भूमिका होती ही सांस्कृतिक है। तो वो एक ये जो सांस्कृतिक कर्म है, इस बारे में उनकी कविता है, बड़ी मशहूर कविता है ये, और बड़ी सरल, ऐसा लगता है जैसे हमारे बारे में कह रहे हैं। हमारी सदी में, ये सदी के अंत में 20वीं सदी का जब अंत हुआ तब लिखा, 30-32 साल पहले, विस्लावा सिम्बोर्स्का पोलिश कवियत्री। आखिरकार हमारी सदी भी बीत चली है, इसे दूसरी सदियों से बेहतर होना था, लेकिन अब तो यह भी अपने गिने चुने साल पूरे कर रही है। और अंत में बाद में कहती हैं, इसकी कमर झुक गई है। आप अंदाजा लगाइए एक पंक्ति में ही कितनी बड़ी बात कह दी है, ये कितनी बड़ी बात है, इसकी कमर झुक गई है, सांस फूल रही है। जब सांस फूलती है आप जानते हैं तो ब्लड प्रेशर होता है, जब सांस फूलने लगती है तो समझो हार्ट में कहीं अवरुद्ध हो गई हैं आपकी धमनियां, थक्का जम गया है, कोलेस्ट्रॉल आ गया है, आप बीमार हो गए हैं। और वो कहती हैं, कितनी ही चीज़ें थी जिन्हें इस सदी में होना था पर नहीं हुई। 20वीं सदी में बहुत काम होने थे लेकिन नहीं हुए। मित्रों हम 21वीं सदी के 20 साल पूरे कर चुके हैं, सोचें हम इस बात पर।
और जिन्हें नहीं होना था हो गई, दो विशुद्ध हो गए विश्व दूसरी सदी में, आप अंदाज लगाए दो विशुद्ध, कितना मानवता का विनाश हुआ। खुशी और वसंत जैसी चीजों को और करीब आना था लेकिन नहीं आए, ये मतलब ये, इनका मतलब यह है, खुशी और वसंत जैसी चीजों को और करीब आना था, पहाड़ों और घाटियों से उठ जाना था आतंक और भय का साया। उठा क्या? आतंक और भय और ज्यादा बढ़ गए। पहाड़ों और घाटियों से उठ जाना था आतंक और भय का साया, इससे पहले कि झूठ और मक्कारी हमारे घर को तबाह करते, हमें सच की नींव डाल देनी थी। लेकिन झूठ ही रही, सच की नींव आगे नहीं बढ़ी। कुछ समस्याएं थी जिन्हें हल कर लेना था, मसलन भूख और लड़ाइयाँ। हमें बेबसों के आंसुओं और सच्चाई जैसी चीज़ों के लिए अपने दिल में सम्मान जगाना था, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। आप नज़र लगाइए, बड़े सवाल उठाए। अकेली कविता बहुत बड़ी आलोचना से, ये एक दो पेज की कविता है लेकिन कितनी बड़ी बातें कह रही है। आज ये हालात हैं कि सुख एक मरीच का बनकर रह गया है, कोई नहीं हंसता बेवकूफियों पर और नहीं फक्र करता है अक्लमंदों पर। अब तो उम्मीद थी सोलह साला हसीना नहीं रही, अब तो उम्मीद भी सोलह साला हसीना नहीं रही, अब उम्मीद भी नहीं रही है, हताश हो रहा है आदमी। हमने सोचा था कि आखिरकार खुदा को भी एक अच्छे और ताकतवर इंसान में भरोसा करना होगा। अच्छे और ताकतवर, ताकतवर तो हुआ आदमी, अच्छा नहीं हुआ। हमने सोचा था कि आखिरकार खुदा को भी एक अच्छे और ताकतवर इंसान में भरोसा करना होगा, लेकिन अफसोस इस सदी में इंसान अच्छा और ताकतवर एक साथ नहीं हो सका। ताकतवर तो हो गया, अच्छा नहीं हो सका। यह कविता ही सवाल उठा सकती है, हमें अच्छे मनुष्य की जरूरत है। ताकतवर तो रावण भी था, हमारे पास उदाहरण है, मिथकीय उदाहरण है चाहे, लेकिन क्या हमें तो अच्छे आदमी की जरूरत थी, हमें तो राम की जरूरत थी जो ताकतवर भी थे और अच्छे भी थे। तो इस सदी में इंसान अच्छा और ताकतवर एक साथ नहीं हो सका, आखिर हम जिए तो कैसे जिए। किसी ने खत में पूछा था, मैं भी तो उससे यही पूछना चाहती थी, आखिर हम जिए तो कैसे जिए। जैसा कि आप देख चुके हैं यही वही होता है, हर बार वही होता है, सबसे अहम सवाल सबसे बचकाने ठहरा दिए जाते हैं। मित्रों, अहम सवाल पीछे धकेल दिए जाते हैं और जो गौण सवाल हैं, जिन कुछ भी नहीं है, जिनका मतलब नहीं है कुछ भी, वो सवाल आगे कर दिए जाते हैं। इसलिए मुझे वाल्टर बेंजामिन की इस पंक्ति पर भरोसा होता है कि विकास का हर सोपान बर्बरता के एक नए रूप को जन्म देता है। ये वाल्टर बेंजामिन ने कहा, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के शुरुआत के दार्शनिकों में है, कि विकास का हर सोपान बर्बरता के एक नए रूप को जन्म देता है। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और काफ़ी देर तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन सरोकार मंच के प्रति आभार।